स्टूडियोस। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना केमिस्ट्री का सबसे सेकंड चैप्टर, यानी कि पहला चैप्टर तो आपको पहला करा दिया मैंने, ठीक है। तो पहले चैप्टर में आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे और उसमें बता दिया था मैंने आपको कि सबसे पहले मोलैरिटी नॉर्मैलिटी कैसे निकालनी है, उसके बाद मोल्स बता दिए थे आपको। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, यही कुछ पढ़ना है, ठीक है। एक बात याद जान लीजिए, जिसको मोलैरिटी वगैरह निकालनी आ गई, मोल्स निकालने आ गए, वो ईज़िली चैप्टर्स को ख़त्म कर सकता है। यानी कि अगर आपने कल वो चैप्टर देख लिया था ना, तो उसके अब क्वेश्चंस जो हैं वो आप उन्हें सॉल्व करेंगे। तो अब मैं आपको ना सॉल्यूशंस के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप ये भी समझ लेंगे सॉल्यूशंस को, तो फिर आप जो है सॉल्यूशंस और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इन दोनों के क्वेश्चंस जो हैं तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे तकरीबन क्वेश्चंस। सबसे पहला जो सॉल्यूशंस में आता है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ आपको कौन सी सॉल्यूशन है। तीन तरह की सॉल्यूशंस होती हैं, सबसे पहले गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। उसके बाद एक चीज़ होती है सॉल्यूट और दूसरी चीज़ को बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो कि कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, सब्सटेंस दैट इज़ प्रेजेंट इन द लो क्वांटिटीज, इट इज़ कॉल्ड एज सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट क्या चीज़ होती है? सॉल्वेंट वो चीज़ होती है दैट इज़ प्रेजेंट इन द मैक्सिमम कंसंट्रेशन में। तो गैस को गैस में डालेंगे तो वो एक ही जैसे दिखेगी हमारे को, लिक्विड को गैस में डालेंगे, लिक्विड को गैस में डालेंगे तो कैसा लगेगा आपको? लिक्विड को डाला गैस के अंदर, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को जब मिक्स करते हैं नाइट्रोजन गैस में। थर्ड है सॉलिड को अगर गैस में डालेंगे तो तब हमारा बनता है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट इससे लिक्विड सॉल्यूशंस, गैस को लिक्विड में डालेंगे, गैस को लिक्विड में डालेंगे, आपने बबल्स तो देखे हैं, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, लिक्विड को लिक्विड में डालेंगे तो वो लिक्विड ही बन जाएगा। नेक्स्ट इज सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे, सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे, सॉलिड यानी कि जैसे आप ग्लूकोज डालो साल्ट डालो, वो सॉलिड है वो उसको लिक्विड में डालेंगे। नेक्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन, गैस को सॉलिड में डालोगे आप तो क्या बनेगा आपका? देखो हाइड्रोजन को पैलेडियम पे लगाना, दिस इज़ द एग्जांपल, और ये हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पढ़ना है। अभी आगे पैलेडियम जो होता है दैट इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड इन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रिडक्शन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट इज सॉलिड को सॉलिड में डालेंगे तो कॉपर को गोल्ड में, यानी कि एक मेटल दूसरे मेटल पे, लिक्विड को सॉलिड में डालेंगे उसका मीनिंग क्या है? लिक्विड को सॉलिड में डालेंगे दैट इज़ अमलगम। आपकी इसकी एक सबसे अच्छी एग्जांपल पता क्या है? आपका मरकुरी जो होता है, मरकुरी को अगर आप डाल रहे हो किस में, मरकुरी को डाल रहे हो आप किसी भी मेटल में, तो दैट बिकम्स एन अमलगम। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके कौन से? सबसे पहले मास परसेंटेज, यानी कि मास परसेंटेज को आपको कल भी बताया था मैंने क्या करना है। आपने अगर बोलेंगे आपका कंपाउंड है जैसे C6H12O6, बोलेंगे कार्बन की परसेंटेज निकालो। अब मास परसेंटेज कैसे निकालनी है? टोटल मास ऑफ कार्बन इन द ग्लूकोज डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाइड बाई 100। तो सॉल्यूशंस में भी सेम ही है, टोटल मास ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज द मास परसेंटेज। नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज, सेम एज दैट ऑफ दिस मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज़ ऑल्सो सेम। PPM, PPM में क्या होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट के कितने पार्ट्स हैं, और उसको डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 10^5, 10^6। That is raised to the power 10^6 PPM जो होता है that is per parts per million। और एक नीट में क्वेश्चन आया था कि कौन से कंपाउंड की कंसनट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाए तो that will cause सीवियर डैमेज टू your lungs। तो उसका आंसर भी PPMs में ही था, और वो जो चैप्टर है उसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और मैं उस चैप्टर में जब पहुंचूंगा तो तब आपको वो इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल की फ्रैक्शन, अब एक देखो एक चीज़ देखिए ना, कि अगर
कोई कंपाउंड है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी दैट गिव राइज टू सी. अब सी जो कंपाउंड है उसमें हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ए के कितने मोल्स थे, बी के कितने मोल्स थे, वो जो टोटल जुड़े तो उस टाइम कितने मोल्स बने. मोल फ्रैक्शन जो होती है, देखो ए प्लस बी यानी कि ए की कंट्रीब्यूशन टोटल मोल्स में कितनी है और बी की कंट्रीब्यूशन कितनी है, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी गिव राइज टू वन. एक्स इट इज डिनोटेड बाई दिस इज एक्स ए एंड एक्स बी, ठीक है. तो उसके बाद क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा आपको. क्वेश्चंस जो हैं बड़े आसान हैं. ये वाला क्वेश्चन तो हमने कल भी किया था, लेकिन दैट वाज C6H12O6. नेक्स्ट इज मोलैरिटी. मोलैरिटी का सीधे डायरेक्ट फार्मूला क्या है आपका, मोलैरिटी इज इक्वल टू एक्स बाई एम इंटू ये मॉलिक्यूलर मास है, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाई वी. डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे आंसर आ जाएगा आपका. मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ सोल्यूट्स डिजॉल्व पर के जी ऑफ सोल्यूशन. तो एक बात याद रखिए, मोलैलिटी इज द मोर प्रिसाइज. वाई, बिकॉज मोलैलिटी में हम के जी में वेट लेते हैं और मोलैरिटी में हम लीटर में लेते हैं, और जो डेंसिटी होती है वो वेरी करती है फ्रॉम टेम्परेचर टू टेम्परेचर, प्रेशर टू प्रेशर, इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट, लेकिन जो एक के जी चीज़ है वो एक के जी रहेगी हमेशा, मास सेम रहता है ना. नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी की बात जब करते हैं हम, तो सॉल्युबिलिटी का जो जनरल मीनिंग है कि किसी में कितनी डिसॉल्व हो रही है उसको बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी. और एक चीज़ याद रखना, पोलर जो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में होगा. तो सबसे पहली चीज़, आधों को तो यही नहीं पता होगा पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं. इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो है, वो देख लें, ठीक है. तो उसमें आपको पता लग जाएगा पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं. सबसे पहले यहाँ पर जो कुछ केसेस दिए हुए हैं इन्होंने, यहाँ पर बताया है कि जब भी हम कोई सल्यूट डालते हैं सॉल्वेंट में, देखो एक लिमिट होती है जब तक कि एक सल्यूट डिसॉल्व होता है एक सॉल्वेंट में. फॉर एग्जांपल आप चीनी डाल रहे हो पानी में, तो वो एक लिमिट तक डिसॉल्व होती है ना, उसके बाद क्या होता है कि वो क्रिस्टलाइज होकर नीचे गिरने लगती है. इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. तो हमारी सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है सॉल्यूशन जो होती है, दैट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड वो सॉल्यूशन होती है जिसमें कि कोई सॉल्यूट और ऐड नहीं हो सकता एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर. लेकिन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होती है जिसका हम टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करके उसमें मोर सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं. लेकिन जब हम उसे नॉर्मल कंडीशंस में छोड़ते हैं, वापस क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वापस उसमें क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. प्रोसेस जो होता है दैट रिवर्सेस. तो अनसैचुरेटेड के बारे में पता लग गया मैंने आपको. तो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज इट्स सॉल्युबिलिटी, यानी कि कंसंट्रेशन कितनी कंसंट्रेशन डिसॉल्व हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस. अब हमने बोला बताया कि सॉल्युबिलिटी जो होती है दैट कैन बी दैट डिपेंड्स अपॉन टू पैरामीटर्स, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर. क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर आप इंक्रीज डिक्रीज करेंगे जिससे कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ठीक है. तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है सॉल्युबिलिटी, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है सॉल्युबिलिटी पे, वो हम पहले पढ़ते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस में, फिर हम गैसेस सॉल्यूशंस में पढ़ेंगे. सबसे पहले टेम्परेचर का जो होता है प्रोसेस क्या करता है कि अगर लिक्विड को हम बॉयल कर रहे हैं और सॉलिड डाल रहे हैं बीच में, तो दैट विल डिसॉल्व, ठीक है जी. लीच एटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफ़ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक. एंड इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी है दैट वुड डिक्रीज. तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में पता होना चाहिए आपको. एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो कि हीट प्रोड्यूस करता है, और एंडोथर्मिक होता है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है. तो प्रेशर का सिग्निफिकेंट असर
तो होता ही नहीं है हमारे पे, यानी कि लिक्विड्स पे टेम्परेचर का असर होता है, प्रेशर का असर नहीं होता। नेक्स्ट इज सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और यही इम्पॉर्टेंट है सबसे, क्योंकि इसी में हमारा हेनरी वगैरह के लॉज आ जाएंगे, जिसको हमने डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि मैनी गैस, जो पानी होता है उसमें हर तरह की गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। आपको एक बात बता देता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज़ अब्सॉर्ब्ड बाय द ओशियंस। ओशियन इज़ द स्टोर हाउस ऑफ द ऑल द कार्बन। ओशियंस क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर देते हैं। दैट इज़ वाई जो एक्वेटिक फॉर्म होती है नीचे वो ईजिली सर्वाइव कर पाती है, ठीक है। नीचे ठंडा नहीं है, नीचे जो हमारा सी समुंदर का तला है दैट इज़ वार्म, दैट इज़ वाई द लाइफ सस्टेन्स देयर, ठीक है। तो ये कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के बारे में हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है वो उनको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। हेनरी लॉ सबसे पहला आता है, एंड इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। ये था हमारा हेनरी लॉ, हेनरी लॉ को मॉडिफाई किया था तो हमारा राउल्ट लॉ वगैरह बन गया था। हाँ, दिस इज़ द मोस्ट, हेनरी लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म जो है दैट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। इसने मोल फ्रैक्शन को बोला था, उसने पार्शियल प्रेशर को बोला था, ठीक है, ठीक है। हेनरीज लॉ इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ, ऐसा भी लिखा हुआ है इस बुक में। तो उसके बाद के एच को बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट वगैरह वगैरह। हेनरी लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एप्लीकेशन है, और इसका क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले अगर किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक को हमने क्या करना है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करनी है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसको हाई प्रेशर में क्या करते हैं, सील करते हैं, ठीक है। स्कूबा ड्राइवर्स जो होते हैं वो जो होते हैं, देखो जब हम डाउन द ओशन जाएंगे तो उस टाइम क्या होता है, हमारा प्रेशर जो होता है दैट इंक्रीजेस, तो जिसके कारण हम जो डिसॉल्व्ड गैसेस होती हैं उनकी कंसंट्रेशन जो होती है हमारी बॉडी में इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है कि उनकी जो बॉडी होती है उसमें पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और उनकी कैपिलरीज बेंट हो जाती हैं, जिसके कारण एक मेडिकल कंडीशन बनती है दैट इज़ कॉल्ड बेंट्स। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड बेंट्स वो क्या करते हैं, उनके जो होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स उसके अंदर नाइट्रोजन भी भरते हैं, हीलियम भी भरते हैं और ऑक्सीजन भी भरते हैं। इन तीनों का कम्बिनेशन जो होता है दैट अलोज देम टू सर्वाइव इनसाइड डीप इन द ओशंस। हाई अल्टीट्यूड्स में एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हम एनोक्सिया, ठीक है। एनोक्सिया में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी काउंट जो होता है दैट इज़ लिमिटेड, लेकिन जब हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं वहाँ पे हमारी ब्रीथिंग जो होती है दैट बिकम्स फास्ट, और बाइंडिंग कैपेसिटी जो आती है ऑक्सीजन की दैट बिकम्स लेस, जिसके कारण हमें एनोक्सिया हो जाता है। लेकिन जो ऑल्टीट्यूड में रहते हैं उनका आरबीसी पहले से ही जो होता है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और बाइंडिंग उसकी कम होती है। हम जब जाते हैं तो हमारा आरबीसी भी कम होता है तो बाइंडिंग भी कम हो जाती है, जिसके कारण हमारे को ऑक्सीजन जो होता है वो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल पाता। नेक्स्ट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी। आपको बता दूं मैं, टेम्परेचर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि गर्म पानी में ना ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होगा देन द कोल्ड वाटर, यानी कि आपको, आपने देखा होगा कि कोल्ड इन्वायरमेंट में फिशेस वगैरह इजीली सर्वाइव कर पाती हैं। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ऑक्सीजन ज़्यादा डिसॉल्व होता है पानी के अंदर। नेक्स्ट इज़ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस का दैट इज़ गिवन बाय राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ की डेफिनेशन ये है सामने, ये आपने अभी अभी पढ़ी होगी। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर
of each component of solution is directly proportional to the mole fraction of the solution. Partial pressure is directly proportional to the mole fraction. Henry law kya bolta tha? Ki solubility is directly proportional to the mole fraction. यहां पे हमने क्या किया, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर. यहां पे क्या किया, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को रिलेट कर दिया. ठीक है, ये p इज इक्वल टू p नॉट x1, जो p1 है किसी हमारे कंपोनेंट a का है, p नॉट जो प्योर कंपोनेंट a होगा, और x1 इज द मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो आउटपुट करेंगे, और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं और ये इजीली सॉल्व हो जाते हैं एग्जाम्स में. नेक्स्ट इज डेल्टा लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. ये बोलता है कि हम रिलेट करते हैं वेरियस पार्शियल प्रेशर्स को, यानी कि टोटल पार्शियल प्रेशर जो होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ आइदर ऑफ द कंपोनेंट्स, आइदर या बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स. इनको हम ऐड करते हैं तो एक इक्वेशन बनती है. ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ. इस ग्राफ का बड़ा इस्तेमाल है. ठीक है, अब देखें पी नॉट पी टोटल पी वन प्लस पी टू है. ठीक है, अगर क्या हो कि अगर पी टोटल ग्रेटर देन हो जाए पी वन प्लस पी टू या लेस देन हो जाए पी वन प्लस पी टू, तो दो कंडीशंस अराइज होती हैं. ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ये फालतू है सारा, ये किसी काम का नहीं है इतना. राउल्ट लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, मैंने पहले बोला था पी एच पी इज इक्वल टू के एच एक्स. ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना. नेक्स्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट केस, दैट इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. आइडियल सोल्यूशन क्या होती है और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होती है? आइडियल सोल्यूशन वो होती है जो कि बिहेव करेगी राउल्ट लॉ को ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर में, और नॉन आइडियल सोल्यूशन है दैट विल नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. देखो जो हमारे आइडियल सोल्यूशंस होते हैं उनका कर्व कैसा होगा, पी ए प्लस बी. ठीक है, पूरा एग्जैक्ट. जो नॉन आइडियल होंगी या तो वो उनका पी टोटल ग्रेटर होगा या लेस होगा देन द पी टोटल, यानी पी ए प्लस पी बी आना चाहिए ना, वो नहीं होगा, वो या तो उनसे ज़्यादा होगा या कम होगा. ठीक है, दो कंडीशंस हैं आइडियल सॉल्यूशंस में. हम याद कर लीजिए डेल्टा एच मिक्स एंड डेल्टा वी मिक्स ज़ीरो होता है. डेल्टा जी जो होता है हमेशा माइनस होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई. डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, अगर वो नेगेटिव नहीं होगा तो समझ लीजिए आपका रिएक्शन जो है दैट इज़ नॉट फीजिबल. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर दैट. अब हम आइडियल की बात करते हैं. आइडियल जो होगा दैट विल ओबे द राउल्ट लॉ इन एनी एस्पेक्ट ऑफ टाइम. ठीक है, इसमें क्या होगा कि इंटरेक्शन जो होगी ए और बी में दैट इज सिमिलर टू द ए एंड बी बी. ठीक है ए बी इंटरेक्शन जो होंगी वो भी सेम होंगी देन कैसे ए और बी की तरह. इसमें क्या हो गया, सिमिलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज दे दें आपको, दैट इज़ क्या है? वो डायरेक्टली वो आइडियल हो जाती है. जैसे बेंजीन टाउलिन क्या फिनोल के कंपोनेंट है ना, सारे वो दैट आर क्या बोलते हैं उनको, दैट आर आइडियल. जो एग्जांपल्स यहाँ पर दी हैं इनको याद कर लें, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन एक पुट कर देते हैं वो डायरेक्टली. नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में. नेक्स्ट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह की होती है, मैंने बोला या तो वो हाइयर होंगी देन द पी टोटल या फिर लोअर होंगी देन द पी टोटल. ठीक है, अगर वो हाइयर हैं देन द पी टोटल उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है, और अगर वो लोअर हैं देन द पी टोटल दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव डेविएशन. तो इसके बारे में जो ये कुछ लिखा हुआ है इसको मैं आप शॉर्टकट में बता देता हूँ. देखो जो हमारा पहला होता है ना पॉजिटिव डेविएशन, उसमें जो इंटरेक्शंस जो होती हैं जो ए बी की इंटरेक्शंस होती हैं दैट आर वीकर देन दोज ऑफ ए एंड बी बी. इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस जो होती हैं इसमें वीक हो जाती हैं. एंड बिटवीन द सोल्यूट एंड सोल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में क्या वीकर जो होती हैं दैट इज फोर्सेस. तो
ये जो सॉल्यूशंस होते हैं दे गेट इजीली एस्केप्ड इन द सॉलिड स्टेट, यानी कि सॉलिड स्टेट या प्योर स्टेट में, ठीक है, जिससे कि वेपर प्रेशर जो होता है इनका इंक्रीज हो जाता है. दैट इज़ वाई दे शो पॉजिटिव डिविएशन. नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाती है, जिसके कारण कि क्या होता है वेपर प्रेशर जो होता है डिक्रीज कर जाता है. देख लो ए ए और बी बी की जो हमारी फोर्सेस होती हैं दे आर वीक, लेकिन ए और बी के बीच में जो फोर्सेस बनती हैं दैट बिक आर स्ट्रॉन्ग. इसमें जनरली कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पर भी होगी ना वहाँ पर क्या होता है हमारी नेगेटिव डिविएशन हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वेपर प्रेशर जो होता है डिक्रीज हो जाता है. वेपर प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द प्रेशर दैट इज एग्जर्टेड बाय द लिक्विड्स ऑन द सरफेस ऑफ एनी सब्सटेंस, सरफेस ऑफ द लिड और समथिंग दैट यू कीप. तो अगर कोई चीज़ जल्दी टूट जाएगी तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगी ना. कोई चीज़ अगर टूटेगी ही नहीं तो दैट विल नॉट गिव राइज टू द वेपर प्रेशर, दैट विल डिक्रीज द वेपर प्रेशर बिकॉज द इंटरेक्शन इन दैम इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग. इसकी एग्जाम्पल एक दी हुई सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये देखो ये कीटोन है. कीटोन का अगर रिएक्शन करा दिया ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ तो ये बन गया हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन, हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं. तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गई हमारी नेगेटिव डिविएशन. तो पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन को आप ध्यान से लिख लें, ठीक है. तो उसके बाद जो एक और चीज़ आती है पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन को हम एक और टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजीड्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजीड्रॉप. जो मिनिमम बॉइलिंग एजीड्रॉप होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं राउट लॉ को, उनको बोलते हैं हम मिनिमम बॉइलिंग एजीड्रॉप, ठीक है. देखो उसको ना थोड़ी सी अगर हम थोड़ा सा बॉयल कर देंगे तो वो मिनट में टूट जाएगा, जिससे कि पार्शियल प्रेशर उसका इंक्रीज़ हो जाएगा. दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एज द मिनिमम बॉइलिंग एजीड्रॉप. तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजीड्रॉप क्या है, उसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, एंड इट विल शो नेगेटिव डिविएशन. यानी कि जितनी ज़्यादा हीट देंगे तब भी वो टूटेगा नहीं, जिसके कारण उसकी डिविएशन जो होगी दैट विल डिक्रीज. ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान लेकर. और इसके एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट एक्ट एज It has...